कोरोना वायरस देश से गया तो निपाह वायरस आ चुका है। केरल को छोड़कर उत्तर भारत सहित पूरे देश में निपाह वायरस का एक भी केस नहीं मिला। हालांकि इस वायरस से निपटने के लिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। दिल्ली के अस्पतालों में इस वायरस से निपटने के लिए पहले से ही मौजूद दिल्ली एम्स, RML, सफदरजंग और LNGP जैसे बड़े अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग को लेकर इलाज तक की व्यवस्था कर दी गई है। निपाह वायरस की मौजूदगी और उसके वायरस को लेकर के पुणे की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में भी सैंपल भेजे जाते हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट से भी निपाह वायरस की पहचान संभव है, ऐसा माना जा रहा है। केरल में निपाह वायरस अब तक 2 लोगों की जान ले चुका है, वहीं 5 संदिग्धों की पुष्टि के बाद भय का माहौल कायम है। केरल के कोझिकोड जिले में स्कूल और कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी बना दी है। निपाह वायरस को लेकर एम्स दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर संजय राय का कहना है कि ऐसा नहीं है कि निपाह वायरस नया है और इसका पता लगाना मुश्किल है। हाँ, इसकी जांच के लिए हर जगह टेस्टिंग की किट उपलब्ध कराना बेहद मुश्किल है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मंगाई जा सकती है। इस वायरस का पता एंटीबॉडी टेस्ट या RT-PCR से भी हो सकता है। अभी एम्स के में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी किट उपलब्ध हैं कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और इसकी पहचान कर सकता है। हालांकि IMCR का ये दावा है कि इस वायरस की मृत्यु दर बेहद अधिक है। एक तरफ जहां कोरोना से हर 100 में से 2 से 3 लोग मरते थे, यानी मृतकों का परसेंटेज 2 से 3% था, वहीं निपाह वायरस से 40 से 70% तक है। क्या कुछ कहते हैं राजीव बहल, जो कि DG ICMR हैं, उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर, सुन लीजिए। और उसके बाद कई एपिसोड, कई आउटब्रेक इसके, जैसे कि लोगों ने कहा, इंडिया और बांग्लादेश में हुआ। सीरियसनेस, इट्स इफ कोविड वाज 2 to 3% मोर्टैलिटी, यहाँ मोर्टैलिटी इज 40 to 70%, सो द मोर्टैलिटी इज एक्सट्रीमली हाई। 40 to 70% इज व्हाट इज नोन ऑफ ऑल द केसेस दैट हैव बीन रिपोर्टेड इन्फेक्टेड पीपल। No, COVID, overall mortality in COVID at one point was 2 to 3% of people infected with COVID would die. Here we are talking about extremely high mortality. अब आपको बताते हैं ये निपाह वायरस है क्या और इसके लक्षण कौन कौन से हैं। दरअसल WHO के मुताबिक फिलहाल निपाह वायरस से बचाव का एकमात्र तरीका लोगों को जागरूक करना। ये जूनेटिक वायरस है जो जानवरों के जरिए इंसान में फैलता है। निपाह वायरस इन्फेक्शन के बाद शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें से अधिकतर वायरस के लक्षण 4 से 14 दिन के बाद दिखाई देते हैं। निपाह वायरस के मुख्य लक्षणों को अगर बात करें तो इनमें बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत शामिल है। वहीं निपाह के गंभीर लक्षणों में उल्टी, पेट दर्द, दौरे पड़ना और कोमा में जाना भी शामिल है। अगेन टू माय अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द केसेस हैव बीन कॉन्टैक्ट्स ऑफ वन इंडेक्स पेशेंट सो फार who came to a hospital called Kara Hospital. उसमें उसका वहाँ से कुछ उसके अपने relatives हैं और कुछ उसके जिसको उससे हुआ, जो दूसरी डेथ हुई उनके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं और कोई और भी लोग, एक हेल्थ वर्कर भी उसी हॉस्पिटल से है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।